हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। पहले देख लेते हैं, यहाँ 20 और यहाँ 15 किस प्रकार बना है। तो अगर हम चार और आठ को जोड़ें, चार और आठ को जोड़ेंगे तो ये 12 बनेगा, लेकिन हमें 20 चाहिए तो 20 तो नहीं बन रहा, तो ये तरीका नहीं लगेगा। अगर हम इस चार को दो से गुणा करें तो वो होता है आठ, और इस आठ को जोड़ दें, इस आठ में आठ को जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, ये भी 20 नहीं बन रहा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, चार को दो से गुणा करने की बजाय इस आठ को दो से गुणा करें, ये आठ दे रखा है, इस आठ को दो से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, और 16 में इस चार को जोड़ दें, जो आगे चार है उसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 20, और 20 हमें दे रखा है। उसके नीचे देखते हैं, हमें दे रखा है 9 और 3, इस 3 को 2 से गुणा करें, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 9 को जोड़ें, इस 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 हमें दे रखा है। जिस प्रकार इस 8 को 2 से गुणा करी और फिर 4 जोड़ दिया तो 20 बना, 3 को 2 से गुणा करी 9 जोड़ दिया तो 15 बना, उसी प्रकार इस 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12, 12 में इस 6 को जोड़ेंगे, इस 6 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 18, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसको करने का एक बिल्कुल आसान तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देखते हैं। हमें यहाँ लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। हमें ये बॉक्स काउंट कर लेने हैं, कितने हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5, ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 है। तो सभी में बॉक्स बराबर है। अब इनको ऐड कर लेना है, इनको जोड़ कर लेना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 15। बीच वाले को भी जोड़ लेना है, ये भी 15 ही बनेगा, और सबसे ऊपर वाला 1, 2, 3, 4, 5, इनको भी जोड़ लेना है तो ये भी 15 बनेगा। इतना करने के बाद इन तीनों को जोड़ लेना है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 + 15 + 15, ये हो जाएंगे 45, और हमारा आंसर आ जाएगा 45। ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए, 45 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी आएगा या डब्ल्यू आएगा, वो देखते हैं। हमें दे रखा है बी, डी, एच और एन। इनमें हम रिलेशन देख लेते हैं किस प्रकार बने हैं। ये जो बी है, बी से डी बना, तो अगर हम बी में दो जोड़ें, बी में दो जोड़ेंगे तो डी बनता है। ए बी सी डी में अगर बी में दो जोड़ेंगे तो डी बनेगा, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। बी में दो जोड़ें, दो जोड़ेंगे तो डी पे जाएगा ये, तो डी दे रखा है। फिर आगे डी से एच बना, डी से एच किस प्रकार बना, डी में अगर हम, इस डी में अगर हम चार जोड़ें तो एच बनता है, एच बन रहा है। एच से एन किस प्रकार बना, अगर हम छः जोड़ें, एच में छः जोड़ेंगे तो एन बनेगा। अब हमें सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 6, तो आगे हो जाएगा ये 8 + 8 हो जाएगा। एन में अगर 8 जोड़ेंगे, एन में 8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वी। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले दो जुड़ रहे हैं, फिर चार, फिर छः, इनमें दो दो का अंतर है, तो इस छः में दो जोड़ेंगे तो ये 8 बनेगा। तो एन में अगर 8 जोड़ेंगे, जिस प्रकार बी में दो जोड़े, डी में 4, एच में 6 और एन में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वी। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन अलग है। तीनों में एक जैसा रूल अप्लाई होगा और एक में अलग होगा, तो हमें अलग बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है 40, 25। अगर हम इस 40, 25 के अंकों को जोड़ें, जैसे 4 + 0 + 2 + 5, अगर हम इन्हें जोड़ें तो 11 बनता है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो 11 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी, 7, 7 और 2 9,
नौ में फिर जीरो जोड़ेंगे तो नौ ही हो जाएगा, और फिर दो जोड़ेंगे तो 11, ये भी 11 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी, 6, 6 में फिर जीरो जोड़ी 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 8, 8 और 3 11, ये भी 11 हो गया। जो ऑप्शन नंबर डी है, 5, 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 6 जोड़े तो 11, 11 और 1 12, ये हो जाएगा 12। अंकों को जोड़ने पर ए में 11 बन रहा है, बी में 11, सी में 11, लेकिन डी में 12 बन रहा है, तो जो डी ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा और हमें अलग ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा, 50-61 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास मांसाहारी, शाकाहारी और जानवर, हमें बताना है इन तीनों में कौन सा रिलेशन बनेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा इन तीनों का। तो हम देखते हैं, जो जानवर होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये हो जाएगा जानवर। उसके बाद हमें दे रखा है मांसाहारी और शाकाहारी, जो जानवर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं और कुछ होते हैं शाकाहारी होते हैं, तो ये हो जाएगा मांसाहारी, ये हो जाएंगे शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो इसी प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा, सबसे बड़ा गोला हो जाएगा ये हो जाएगा जानवर का, उसके अंदर दोनों हो जाएंगे मांसाहारी और शाकाहारी के, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो हम देख लेते हैं पहले, यहाँ 32, यहाँ 24 और यहाँ 70 किस प्रकार बना है, जिस प्रकार इन तीनों में बना है उसी प्रकार इसमें बनेगा। तो पहले देखते हैं यहाँ 32 किस प्रकार बना, अगर हम इस 4 की गुणा करें, 4 की गुणा कर दें इस 3 से, ये हो जाएगा 12, 12 हो गया, फिर 12 की गुणा कर दें इस आगे वाले 2 से, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और इस 24 में इस लास्ट 8 को जोड़ दें, जोड़ करेंगे इसमें इस 8 का, तो ये हो जाएगा 32, जो हमें दे रखा है 32। अब नीचे देखते हैं, 5 की गुणा करेंगे 3 से, 15 बना, 15 की फिर गुणा करेंगे 1 से, पहले 3 की तो गुणा करनी है, गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 15, 15 में फिर इस 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर नीचे देखते हैं, 7 की गुणा करेंगे 3 से, 21, 21 की फिर गुणा करेंगे 3 से, 63 बना, 63 में इस 7 को जोड़ दिया तो ये 70 हो गया। जिस प्रकार पहले 3 की गुणा करेंगे जो उत्तर आएगा उसमें 7 को जोड़ेंगे, उसी प्रकार इस नीचे वाले में करेंगे, पहले 3 की गुणा करनी है, 2 गुणा 9 गुणा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 72, 2 की 9 से गुणा करी 18, 18 की 4 से गुणा करेंगे तो 72 आ गया, और इस लास्ट वाले को जोड़ना है, पहले 3 की गुणा करके जो उत्तर आया इस लास्ट वाले को जोड़ना है, तो 72 में 12 जोड़ेंगे जब हम, ये हो जाएगा हमारे पास 84। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 84, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, हमें बताना है या कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ 391, 756 किस प्रकार बना है, जिस प्रकार ये दोनों बने हैं उसी प्रकार यहाँ बनेगा, तो पहले देख लेते हैं यहाँ 756 किस प्रकार बना, अगर हम इस 28 की गुणा करेंगे इस 27 से, 28 की गुणा 27 से करेंगे तो 756 होता है, वो हमें दे रखा है, 17 की गुणा करेंगे 23 से तो 391 होता है, वो भी दे रखा है, उसी प्रकार इस 16 की गुणा करेंगे 21 से, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये होता है 336, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 336, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि 127 से 63 किस प्रकार बना, 63 से 31, 31 से 15, 15 से 7 और 7 से यहाँ क्या बनेगा, तो ये देखते हैं पहले 127 से 63 किस प्रकार बना। तो अगर हम 127 में से 63 को घटाएं तो 64 आता है, 64, 64 से 31 को घटाएंगे तो 32 आता है, 31 से 15 घटाएंगे तो 16 आ रहा है, 16 से 7 घटा रहे हैं तो ये 8 आ रहा है, तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 64 से 32 हुआ, इसका आधा हो गया, 64 का आधा 32 होता है, तो आगे 32 का अंतर आ रहा है, 32 का आधा करेंगे तो 16 आ रहा है, 16 का आधा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसका मतलब है 8 का आधा करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब 7 में से इस 4 को घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 127 और 63 का अंतर दे रखा है 64, 63 और 31 का अंतर है 32, 31 और 15 का अंतर है 16, 17 और 7 का अंतर है 8, और 7 और 3 का अंतरों का 4, क्योंकि ये कम हो रहे थे 64 से 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 3 दे रखा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो,
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।